Hi, what's up guys, it's Prini Dan. Welcome back to another vlog and good morning. Sorry for this morning voice and this puffy face. But yeah, मैं अभी जस्ट उठी हूँ एंड आई हैव सो मच वर्क टू डू डे. इतना सारा काम है आज मुझे पैकिंग करनी है, मुझे पार्लर जाना है, वैक्सिंग करानी है, उसके बाद मुझे ऑयलिंग करनी है, उसके बाद मुझे लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं आज के दिन के, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें लानी है, जैसे मेरे को छोटी छोटी बिंदी वगैरह जो होती है वो सब छोटा छोटा चीज़ लाना है. एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो. उसके अलावा मेरे को सब और कुछ करने के लिए बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने कर लिया है. बट यार मेन चीज़ तो रह रही है मेरी, इनको पैकिंग करनी, आयरन करना है, पहले सारे क्लोथ्स को पैक करना है. सो यार इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे एंड आई कांट वेट. कल आई एम फाइनली लीविंग फॉर राजस्थान. आई हैव बीन वेटिंग सिंस सो लॉन्ग राजस्थान जाने के लिए. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिव्या सिस्टर्स वेडिंग. ओ बाय द वे, आई डिडंट टेल यू किसकी शादी है. सो इट्स माई बेस्ट फ्रेंड्स रियल सिस्टर्स लाइक एल्डर सिस्टर्स वेडिंग. एंड या वी हैव बीन एक्साइटेड सिंस कॉलेज डेज. बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है इस चीज़ की. एंड फाइनली हमारा गेट टुगेदर होगा, मैं दिव्या पुनीता इन राजस्थान. सो या दैट्स ऑल. आई विल मेक माई कॉफ़ी नाउ. फटाफट कॉफ़ी बनाती हूँ, लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, उसके बाद जब ब्रेक होगा लंच ब्रेक उसमें जाऊँगी पार्लर. सो या लेट्स कंटिन्यू विद दिस डे, लेट्स बिगिन. सो आई विल शो यू लाइफ इन दिल्ली. मैंने ये बॉटल लाई पैराशूट की, पर इससे इतना जमा हो गया कि इसे निकल ही नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा. एंड ये थोड़ा बहुत बचा अभी, इसको मैं वो निकाल के यूज़ करना पड़ेगा. इतना मेहनत है. This is coconut oil. So in between lectures मेरा इतना काम हो गया, मैंने सब कुछ segregate कर लिया. Main bangles and बड़े बड़े earrings सब इसमें है. छोटे वाले bangles and कुछ miscellaneous सामान इसमें. फिर इसमें थोड़े और earrings हैं छोटे छोटे. एंड इसमें makeup and shades. मैंने ये बड़ा वाला gift wrap कर लिया है, अभी ये वाला करना बाकी है. एंड I got this from Sarojini. And yeah, मेरे को अभी mask भी as per outfits segregate करने है सबके. It is such a gloomy day और मेरा parlor का काम finally हो गया है. Waxing done, everything's done and now I'm just heading back home. मैंने बिंदी जो माथे का बिंदी होता है वो ले लिया. और यार उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लेना था. सो नाउ आई जस्ट हेड बैक होम एंड आई हैव माय लंच. या और उसके अलावा मुझे पैकिंग करनी है. सो मे बी आफ्टर लंच आई पैक. अभी जस्ट मेरे लेक्चर्स ख़त्म हुए हैं. आधे लेक्चर्स तो मैंने चलते चलते अटेंड किया है. बट या यदि चंपू लग रही हूँ बिकॉज मुझे कल हेयर वॉश करना है. That's all for now. So finally थोड़ी पैकिंग हो गई है. मैं अपनी बड़ी बैग ले रही हूँ बिकॉज या इसमें सारा सामान आ गया. एंड इधर मैंने गिफ्ट एंड मेरे बाकी ये थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं. इसमें सारे ट्रेडिशनल्स रखे हैं. एंड या वी आर डन विथ पैकिंग. सो फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ एंड मेरा ट्रेन है अभी. इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है एंड आई एम एक्साइटेड नाउ. सो मैं सुबह से कुछ काम वाम कर रही तो मेरा एक्साइटमेंट तो थोड़ा कम हो गया था. बट या एंड आई कैन सी माई ट्रेन कमिंग टूवर्ड्स मी. या सो अभी आवाज़ नहीं आएगा, ब्लॉक करना बंद करती हूँ. दिस इज दिस स्टेशन. और ट्रेन आके मेरी 10 मिनट हो चुके हैं तो पूरा स्टेशन खाली हो गया है. एंड मैं इसलिए इतनी जोर जोर से अभी बक बक कर रही हूँ और मेरे को कोई पागल भी नहीं समझ रहा है. सो आई गेस मुझे अभी उतना दूर लंबा जाना पड़ेगा एंड वहाँ से फिर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब दिल्ली की फिर ट्रेन यहाँ से आ रही है तो कॉमन सेंस है कि मुंबई की वहाँ से आएगी ऐसा मुझे लगता है. एंड अभी मेरी आवाज़ आती नहीं रही होगी तो मैं क्यों बोल रही हूँ.
हेलो फ्रॉम राजस्थान. सो आई एम फाइनली इन राजस्थान. फाइनली एज इन ये नहीं कि फाइनली मैं ट्रेन से उतर गई, ये वाला फाइनली नहीं, फाइनली वो वाला कि फाइनली मैं राजस्थान, लाइक मैं फर्स्ट टाइम आ रही राजस्थान. एंड या लोग जो बोलते हैं राजस्थान की धूप बहुत तेज होती है, आई कैन सी दैट. डिग्री तो इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी है शायद कुछ 11-12 डिग्रीज, बट धूप बहुत तेज है भाई. एंड आई एम सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ क्योंकि मैं रात को सो ही नहीं ट्रेन में. मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं सो नहीं पाई उसकी वजह से. एंड मैं कुछ एक दो घंटा सोई, फिर मेरे को टेंशन होता है, पता है रात में अकेले ट्रैवल करने टाइम ना थोड़ा ऐसा होता है कि नींद नहीं लगती है, लाइक अनसेफ रीजंस नहीं बट पता नहीं नींद नहीं आ रही थी बस. एंड अभी मैं उतर गई हूँ मेरी ट्रेन. आई एम सो लकी कि मेरी ट्रेन उसी टाइम पे आती है जब उनकी भी ट्रेन. ओ उनकी से मेरे को याद है, मैंने आपको बताया ही नहीं पहले मेन चीज़ तो. सो आई एम, मैं अभी दिल्ली में थी तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. एंड मेरे बाकी फ्रेंड्स पुण्यता पिनांग वगैरह वो चार लोग आ रहे हैं मुंबई से. सो आई एम सो लकी कि मेरी ट्रेन भी उसी टाइम पे आ रही है जब उनकी भी आ रही है, सो दैट वी कैन गो टुगेदर लाइक यहाँ से जहाँ पे शादी का डेस्टिनेशन है वहाँ पे. तो मेरी ट्रेन अभी टाइम पे पहुँच गई, उनकी ट्रेन आ जाएंगी 15-20 मिनट में, उसके बाद हम साथ में जाएंगे. तो तब तक 15 मिनट मेरे को भी वेट करना है. एंड इस धूप में भाई साहब बहुत ज़्यादा धूप है, बट आई एम सो एक्साइटेड कि मैं फाइनली राजस्थान आई हूँ. आई एम सो एक्साइटेड टू हैव राजस्थानी फूड फॉर द वेडिंग, टू मीट दिव्या एंड एवरीथिंग. एंड या इट्स गोना बी हेल लॉट ऑफ फन. आई विल व्लॉग एवरीथिंग, आई विल व्लॉग द फर्स्ट टाइम यू नो माई एक्सपीरियंस ऑफ राजस्थानी वेडिंग. एंड बहुत बक बक कर ली, अब मैं रखती हूँ ठीक है. एंड आई हैव रीच्ड जवाई बांध. And sorry for the wrong information guys, it's not Jawai Bandh, it's Jawai Bandh. Read this. ये देख के लगता है Jawai Bandh है, बट जब हिंदी में देखते तो पता चलता है Jawai Bandh है. ओ भाई साहब क्या लॉजिक से ये बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है. Hats off to the engineer, to the designer जिसने ये बनाया है. पीछे देखो इतना लंबा. And Look at this. Oh my God, कुछ sense है इस बात का, इतना लंबा कौन बनाता है, क्यों बनाता है. और पूरा स्टेशन के एक एंड से लेकर स्टेशन के दूसरे एंड तक, पहले मैं वो एंड से इतना एंड तक इधर आई, अभी इसी एंड से वापस उधर जाने स्लोप से, मतलब हद है यार. थक गई यार मैं ऑलरेडी. वाओ सामने वाला देखो. Oh my God! Wow! बैग लेके स्टेप से तो मैं उतरूंगी नहीं इतना लंबा, तो मेरे को चाहिए ये स्लाइड वाला. तो उधर देखो 1 2 3 4 5 6 व्हाट द हेल. चलो एक ट्रेन तो आई, आई होप उनकी ट्रेन हो भी है, मुझे नहीं पता. फाइनली दिस गाइस आर हियर. हाय फाइनली वी आर हियर. एंड दिस इज कृषि, आगे इज पिनांग, एंड ये है उनकी ट्रेन.